नमस्कार, जय माता की। कैसे हो आप सभी? मैं सर्वर राजपूत माँ दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, जो वीडियो के लिए आज तैयार नहीं किया, जो डायरेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आज का विषय है लामा फेरा के बारे में। लामा फेरा देखिए, कई प्रकार से लामा फेरा करते हैं, जो कोई लामा फेरा सिखाता है प्रॉपर तरीके से आपको बताता भी है। एक तो जब आप सिंबल क्रिएट करते हो तो होती है जो वेंट्स, जो क्रिस्टल छड़ी होती है जिसके अंदर क्रिस्टल भरे होते हैं, उससे आप लामा फेरा करते हैं, उसका इफेक्ट अलग होता है। और माला भी यूज करते हैं जब किसी का लामा फेरा हीलिंग आप करते हैं। प्रत्येक चीज का अपना इफेक्ट होता है। एक और चीज है जिससे लामा फेरा हीलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है, पहले मैंने नहीं बताया लेकिन आज मैं उसको बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। ये है, इसको बोलते हैं तोरण, ड्रैगन तोरण। इससे जब मोस्टली कभी इसको जब अट्यूनमेंट देते हैं, मास्टर अट्यूनमेंट और मंत्र अट्यूनमेंट देते हैं, तो इससे अगर अट्यूनमेंट हुई होती है तो बेस्ट अट्यूनमेंट मानी जाती है तोरण से। इससे पानी में चार्ज कर सकती है, इसको नीचे से पानी में रख के तो पानी चार्ज हो जाता है किसी पर्पज के लिए, वो पी भी सकती है, किसी पेशेंट को दे भी सकते हैं। तो ये तोरण होती है, इसका यूज सिंपल होता है, जैसे आप स्टिक क्रिस्टल वैंड यूज करते हो उसी प्रकार इस तोरण को भी आप यूज कर सकते हो। लामा फेरा के ढाई चक्कर लगाने में भी आप इस तोरण से ढाई फेरा ले सकते हो, आपको वेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको माला से ऐसे लेके चारों तरफ उसके ढाई फेरा लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये अकेला ही जो तोरण होता है, इससे आप कंप्लीटली उस चीज को, उस हीलिंग को इससे कंप्लीट कर सकते हो। इससे ही आप प्रत्येक चक्र पे सिंबल क्रिएट करोगे, इससे आप नेगेटिविटी उठा के सेंटर से ऊपर फेंकोगे, इससे आप प्रोटेक्शन लगाओगे, तो सब विदाउट क्रिस्टल वेंड के इसके द्वारा आप ये काम कर सकते हो। थोड़ा धूपबत्ती लगी है तो दरवाजा बंद है, वॉइस आएगी इसलिए थोड़ा हो रहा है। तो जो भी मोस्टली आजकल मिलती नहीं है, मुझे भी बहुत दूर से मंगानी पड़ी थी ये, अगर किसी को चाहिए तो हम मंगा देंगे, हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो अपने लिए ही एक है। अगर किसी को जरूरत पड़े तोरण की, जिसको तोरण से हीलिंग करनी है, लामा फेरा हीलिंग करनी है, सिंबल क्रिएट करने है, पानी चार्ज करना है, तो आप नीचे कमेंट में बोल दीजिए, हम बोल देंगे, वहां से हमारे पास आ जाइए, आपके पास वो लोग भेज देंगे। सिंपल प्रोसेस है। हाँ, शुरू में थोड़ा जब आप ऐसे ऐसे उठा के ऊपर फेंकते हो, ऐसे जैसे छड़ी से फेंकते हैं, तो छड़ी थोड़ी हल्की होती है, लेकिन जब आप इससे उठा के फेंकोगे, ये थोड़ा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन थोड़ा भारी लगेगा, आपको अजीब लगेगा भारी हो रहा ऊपर, कैसे नेगेटिविटी उठा के कैसे ऊपर फेंके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है, क्योंकि ये स्पेशली इसी के लिए है, और इसकी एक अपनी अलग एनर्जी होती है। ये बहुत कम मिलता है, आम जगह नहीं मिलता है, ये मंगवाना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी कई जगह पे ट्राई किया था लेकिन बहुत दूर से ये फिर चंडीगढ़ में आया है। तो आज का टॉपिक मेरा ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने ये बताना था कि वेंट से कर सकते हो, अगर आप जिसके पास ये तोरण है, तोरण से आप इसी से ढाई फेरा ले सकते हो, ऐसे घूम सकते हो, और इसी से आप सिंबल क्रिएट कर सकते हो, और वेंट से ज़्यादा इफेक्टिव सिंबल क्रिएट होते हैं इससे। आज के लिए एक छोटी सी वीडियो काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, जय माता की।